प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के और केंद्र तथा राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने जनता को कर्फ्यू और लॉकडाउन संचारबंदी के बाद नागरिकों को बार बार अपने घर में रहने की अपील की है। उसके उल्टे जीवन आवश्यक वस्तुएं लेकर आने वाले ट्रांसपोर्ट व हिंगन घाट परिसर में स्थित सभी दाल मिले और सोयाबीन के दो प्लांट, चाय व छोटे मोटे सभी उद्योग बंद करवा दिए गए, जबकि दाल मिल एसोसिएशन तुरंत 22 मार्च तहसीलदार को निवेदन देकर सरकार की गाइडलाइन के अंदर काम करने का आश्वासन देकर दाल मिल चालू करने की अपील की, पर आज तक इस दिए गए निवेदन को गंभीरता से नहीं लिया गया। परिणाम स्वरूप आज बंद के तीसरे दिन सोयाबीन तेल, दाल, अनाज इत्यादि सहित कई जीवन आवश्यक वस्तुओं के न सिर्फ दाम बढ़े हैं, कई वस्तुएं बाजार से खत्म भी हो गई है। कल शायद और दाम बढ़ जाए और वस्तुएं बाजार में मिले ही नहीं। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि हिंगनघाट शहर में महाराष्ट्र की नामी बाजार समिति है, जिसमें सोयाबीन, तुवर, चने तथा गेहूं की फसल की हर साल रिकॉर्ड तोड़ आवक होती है। इसलिए हिंगनघाट शहर तथा शहर परिसर में 20 से भी ज्यादा तुवर और चना दाल मिले हैं और 2 सोयाबीन तेल के बड़े प्लांट हैं, जिनसे एक दिन में 10 से 15 टन दाल और उससे भी ज्यादा सोयाबीन तेल का उत्पादन होता है। इस दाल और तेल उत्पादन का हिंगनघाट परिसर के अलावा करीब 10 राज्यों में सप्लाई होता है। एक तरफ तो सरकार जीवन आवश्यक वस्तुएं कमी और दाम नहीं बढ़ने देने और कमी नहीं होने देने की बात कर रही है और दूसरी ओर जीवन आवश्यक वस्तुओं के प्लांट बंद करवा रही है। लगता है कोरोना नाम की महामारी के अफरा तफरी में सरकार और सरकारी अधिकारियों का आपसी तालमेल में कमी नजर आ रही है। जल्द ही परिसर जीवन आवश्यक वस्तुओं के प्लांट और संबंधित ट्रांसपोर्ट नहीं चालू किए गए तो जीवन आवश्यक वस्तुएं जैसे जैसे और कमी होगी और दाम बढ़ना तय होगा। जब जीवन आवश्यक वस्तुएं मिलेगी नहीं, दाम आसमान छुएंगे तो नागरिक वापस रास्तों पर नजर आएंगे और कोरोना नामक महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा नागरिकों को घर में ही रखने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी। संबंधित अधिकारियों का इस पर जल्द ध्यान देना जरूरी है।